मनान इजाज़ बेटा, रिस्पॉन्ड करें, यू आर लिसनिंग। मलिक अब्दुल्ला, आप बेटा सुन रहे हैं तो बेटा यस बताएं, टाइप करें यस। अरुषा बेटे, आप लोग जो बच्चे कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, अब्दुल्ला प्रेजेंट है। विशाल बेटे, इमाद, हिजकील बेटा, आप भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन कभी आपने अपनी प्रेजेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं। बताएं बेटा आप हैं। हिजकील लिसन, सुन रहे हैं बेटा। चलिए 27:30 के करीब हो चुके हैं पार्टिसिपेंट्स, और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड हो गया, हिजकील प्रेजेंट है, इमाद भी प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। बेटा हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो पेज नंबर है बेटा बुक का, मैं बता देता हूँ दोबारा, पेज नंबर है बेटा 64, बुक का है पेज नंबर 64, ये आपके सामने शो भी हो रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसको मार्क भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, पहले बोर्ड पे चलते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो हम कल भी देख रहे थे, और दरमियान में हमारा टॉपिक रह गया था ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू। जी बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि ये दो हाइड्रोजन एटम है सपोज, और ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और ये क्या करते हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये दोनों एटम इक्वल इक्वल अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ जी बेटा, जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम्स के जिन्हें शेयर किए हुए हैं और उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी दोनों में इक्वल है, तो कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं करता, और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन की सेपरेशन नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ हमने डिस्कस कर रहे थे हम कि एक हाइड्रोजन का एटम है जिसका साइज स्मॉल है, दूसरी तरफ क्लोरीन का एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को, ये है इनका इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसको ये शेयर करते हैं, तो क्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन बेटा इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर क्लोरीन के ज्यादा करीब आ जाएगा और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो हम कहते हैं बेटा इस तरह से, एक तरफ पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, तो हम इन्हें कहते हैं पोल बन चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन चुके हैं, और ऐसे बॉन्ड को बेटा हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आप बेटा मुझे बताएं, पोलर कोवलेंट, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो हमने हाइड्रोजन में डिस्कस किया था जिसको दोनों एटम इक्वल इक्वल अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या है, यहाँ पे कोई एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आया,
तो ये कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर, जिसमें पोल्स नहीं बने वो नॉन पोलर, और जिसमें पोल बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या कहलाता है बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जहां तक मुझे बताएंगे बेटा कि क्या आपको बॉन्ड पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की समझ आ चुकी है बेटा? शाबाश बेटे, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड की कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी है बेटा? ठीक है, अब बेटा हम इसको डिस्कस करते हैं, बुक से रीड करते हैं, और वहां पे मैं मार्क करवाते जाऊंगा तो आप अपनी बुक पे उसको मार्क कर लेंगे। ओके बेटा, चलते हैं बुक की स्क्रीन की तरफ। बिल्कुल बेटा, स्टार्ट में तो आपने हेडिंग बना देनी है, जो पहले है ये है नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहली हेडिंग क्या बन जाएगी बेटा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको रीड कर रहा हूं, साथ साथ फॉलो करोगे करेंगे बेटा आप लोग, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो जब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को मार्क कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। अभी अभी गौर से स्क्रीन को देखे मैं मार्क कर रहा हूँ, साथ में समझाता जाऊंगा। इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, होमो एटम्स, जैसे कि हमने अभी बात की थी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, इसी तरह से अगर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड हो, इसी तरह से अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड हो, एक जैसे एटमों के दरमियान बॉन्ड हो, होमो एटम्स के दरमियान कोई बॉन्ड बनता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाई बोथ द एटम्स इक्वली, तो फिर दोनों एटम उस इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम अपने तरफ इक्वल इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं बेटा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 एंड Cl2। ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है, डिफाइन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसे कहते हैं बेटा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या डिफाइन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे मार्क की हुई है बेटा लाइनें, ये मार्क करेंगे और साथ में एग्जाम्पल जरूर देंगे। ये है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, जो एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, न्यूट्रल रहता है बिल्कुल एटम कंप्लीटली। इसे कहते हैं नॉन पोलर, कोई पोल्स नहीं बनते। अब जो लाइन हमने छोड़ी है उसको रीड करते हैं बेटा। These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. अब दो एटम बॉन्डिंग बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये यहाँ पे आ भी चुका है बेटा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बेटा, ये समटाइम लॉन्ग भी आता है, तो नॉन पोलर की पहली हेडिंग देंगे और जो मैंने रेड से मार्क करना स्टार्ट किया है इसको हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। जहां से मैंने रेड से मार्क किया है इसकी हेडिंग क्या देंगे बेटा? एक्सप्लेनेशन, कि हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक दूसरे की तरफ इक्वल इक्वल अट्रैक्ट करते हैं। ये बेटा मार्क कर लिया मैं, इसको रेज कर दूं बेटा मैं। एक बच्चा पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट एनी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन और नॉट। जी बेटा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है, और फ्लोरीन आपको पता है बहुत। बच्चा पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो बेटा आपको पता है फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है पार्शियल, और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। अभी बेटा मुझे ये बताएं, जो मैंने अभी पहला फर्स्ट पैराग्राफ मार्क किया है, ये आप लोगों ने मार्क कर लिया बेटा? जी बेटा, इसी को कहते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन पोलर को, नॉन पोलर बेटा इसको इसलिए प्योर कहते हैं क्योंकि ये जिसमें आयन्स बनते हैं ना बेटा, वो तो आयोनिक बॉन्ड था। तो समटाइम्स कोवेलेंट बॉन्ड में भी हल्के हल्के पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर ये बॉन्ड प्योर कोवेलेंट नहीं रहता। इसे हम कहते हैं नॉन प्योर या इमप्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को
प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। हुमेरा क्लियर है बेटा? अवैस कहाँ है? अवैस बेटा अगर सुन रहे हैं लेक्चर तो अपनी प्रेजेंस शो करें बेटा। अवैस ये बेटा मैं रेज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं और उसको मार्क करते हैं। ठीक है बेटा, तवज्जो से बेटा अपनी प्रेजेंस को शो किया करें, क्वेश्चन पूछता हूँ तो बता दिया करें, समझ आ गई है या कुछ मार्क करना हो तो फिर तरह से सेटिस्फेक्शन होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर को एक्टिवली सुन रहे हैं। सेकंड बेटा हेडिंग बनाएंगे सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, नॉन पोलर सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग आएगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बेटा हमजा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे हेडिंग आएगी बेटा। रीड कर रहा हूं, आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग है उसकी, हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों, अब ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा, एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, तो इसको बेटा करते हैं मार्क। If the covalent bond is formed between two different types of atoms, heteroatoms, दो different atoms हैं, वो heteroatoms हैं, then the bond pair of electron, bond pair of electron कौन सा है? कि जो हम कोई भी A और B atom के दरमियान ये जो bond को represent करते हैं, तो जो electron इस bond के pair को बनाते हैं, उन्हें कहते हैं bond pair. The bond pair of electron will not be attracted equally by the bonded atoms. अब वो bonded atoms electron के pair को equal attract नहीं करेंगे। कौन सा atom bond pair of electron को ज्यादा attract करेगा बेटा? बताएं। कोई भी दो atom है, कौन सा atom bond pair of electron को अपनी तरफ ज्यादा attract करेगा? Question for you people बेटे। कोई सी भी दो atoms के दरमियान bond है, दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, उनके दरमियान बॉन्ड बन चुका है, तो उनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, कौन सा एटम उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? नुमान इरफान आप ठीक बता रहे हैं। फौजिया बेटा आप कैसे कह सकते हैं फर्स्ट या सेकेंड, किस बेस पर फर्स्ट या सेकेंड? अवैस तारिक शाबाश, नुमान एक्सीलेंट, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे जैसा सी एच फोर में से, बेटा हम इसके लिए सुपर बिग एटम, तो हम इसको ये ऐसे कह सकते हैं ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये साइज की या ऐसी बात, सिर्फ एक लफ्ज बता दें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जिस वही इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस पर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव नहीं। तो आगे रीड करते हैं बेटा, वन ऑफ द एटम्स विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली देन द अदर वन। तो यहां तक बेटा बना देंगे सच टाइप ऑफ, फिर खुद लिख देंगे such type of bond is called, ji beta Fauzia you are raising hand, any question? jo bache hand raise kar rahe hain kuch question, to beta yahan tak isko mark karne ke baad na yahan tak green line mein mark kiya hua, iske baad ek line khud likh lenge such bond is called polar covalent bond, ye line khud likh denge such bond is called polar covalent bond, यहाँ पे एक लाइन खुद लिखेंगे बेटा सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा लिख ले तो मुझे बता दे।
चले बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। क्या बेटा आपने सही बताया है, क्या आप पूछ रही हैं, कोई क्वेश्चन था आपका? अच्छा सर, नॉन पोलर होमो एटम्स और पोलर हेट्रो एटम्स। जी बेटा, जो नॉन पोलर एटम होता है, बॉन्ड होता है, वो होमो एटम्स के दरमियान बनता है, और जो पोलर होता है वो हेट्रो एटम्स, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, वो होता है पोलर। जी बेटा आपने सही बताया। इसकी अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जब दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सच एटम्स और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉन्ड। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 0.9। कि बेटा हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है? अच्छा बेटा, अच्छा नुमान उधर जाएंगे, अभी इसको कंप्लीट तो कर लें। सर पोलर की डेफिनेशन बता दें। तो बेटा ये मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं, ये यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे बेटा, और फिर एक लाइन खुद मैंने कहा था लिखनी है कि सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वैसे तारिक क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव और जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बेस पे नहीं कह सकते बेटा, जिसके जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो और साइज स्मॉल हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बेटा टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। फौजिया बेटे आप ठीक है? चले बेटा इसको कंप्लीट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात हो रही है बेटा, मरियम बेटे व्हाट आर यू ट्राइंग टू टाइप? जी जी बेटा वैसे तारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने आंसर दिया, वो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसका न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो और उसका साइज बहुत कम हो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। चलिए इसको रीड करते हैं, यहां से बेटा ग्रीन लाइन तक मार्क किया हुआ है उससे आगे रीड कर रहा हूं, और इसको हम ब्लू से मार्क कर लेते हैं। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ विद अ ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स, अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है, रेहान बेटा खुद से जो लाइन लिखनी थी वो यहां पे लिखनी थी, ये मैंने उसको ब्लू एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से आगे आप लाइन लिख देंगे सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल का मतलब है स्लाइटली, कंप्लीट नेगेटिव नहीं। आयोनिक बॉन्ड में तो जो आयोनिक बॉन्ड था फर्स्ट मरा सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, वहां पर क्या था बेटे कि एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे निकल जाता था एक एटम से तो दूसरे की तरफ चला जाता था, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव थे। यहाँ पर मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के जाता, सिर्फ एक एटम थोड़ा सा उसको अपने करीब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। पार्शियल का मतलब है स्लाइट या हल्का सा, देयरफॉर is therefore created on chlorine and in turn a partial aur uske sath hi partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference, it creates polarity in the bond and is called polar covalent bond. ye polar covalent bond ki sari explanation thi. polarity ka matlab hai poles ka banana, poles ka banana matlab partial positive aur partial negative ions ka create hona, partial positive aur partial negative ions ka create hona, ise kehte hain beta polarity. ab beta इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये सारी हमारी एक्सप्लेनेशन थी और आपको समझ आ चुकी है आई होप इसकी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये वही एग्जांपल देखें, क्लोरीन की कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की कितनी है, ये आप याद भी रख लेंगे, ये एमसीक्यू आ जाता है कभी कभी। हाइड्रोजन की कितनी है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ई एन से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है
और इस तरह से अभी हमने जो स्ट्रक्चर बोर्ड पर भी बनाया था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो ये इक्वल शेयर होना चाहिए था, लेकिन देखें तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ देखें बेटा मैं एरो का निशान बना रहा हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन के करीब होना चाहिए था, सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान होना चाहिए था इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया है, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा करीब होने की वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हेडिंग बनाए डेल्टा साइन बेटा, यहाँ पे हेडिंग बनाए, इस बॉक्स में हेडिंग बनाए यहाँ पे डेल्टा साइन, ये बेटा डेल्टा साइन, ये इधर लिखा हुआ भी है डेल्टा साइन, हेडिंग बनाए कि डेल्टा साइन, ये जो हमने ये क्लोरीन के ऊपर ये बनाया है इसका क्या मतलब है, इसे कहते हैं साइन को कहते हैं डेल्टा। मैं इसको मार्क कर रहा हूं बेटे जी, बेटा डेल्टा क्या होता है यही तो पढ़ने लगे हैं, डेल्टा एक सिंबल है, उसको हमने कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन, अगर मैं ऐसे हम अगर हमने बताना हो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पर, तो उसको लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे, ये हाइड्रोजन और उस पर ये साइन बना के पॉजिटिव लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा पार्शियल पॉजिटिव, तो वो डेल्टा साइन इंडिकेट करने के लिए यूज हुआ है, एक सिंबल है बेटा। हुमेरा बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सर हाइड्रोजन क्लोरीन का एक एटम नहीं ले सकता क्वेश्चन, बेटा अभी इसको डिस्कस करते हैं आखिर में, ये चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म करते हैं ना बेटा, फिर ये सारे क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन की वैसे मुझे समझ नहीं आई क्या पूछना चाह रही है, लेकिन इसको एंड पे डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा डेल्टा साइन क्या है, द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि डेल्टा साइन इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और वो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और द कंपाउंड रिजल्टिंग, इसको छोड़ देंगे बेटा, इसको छोड़ देंगे, अब ये एग्जांपल देखें, H2 की एग्जांपल भी आ गई, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल भी आ गई और HCl की एग्जांपल भी आ गई, ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिनको मैंने सर्कल किया है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो इन पर आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ये ऊपर ये डेल्टा साइन से इंडिकेट किया गया है, ऐसे करके साइन बनाया गया है, तो ऐसे करके मोस्टली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जिस तरह से आपको बनाना इसको ईजी लगे, ये है बेटा डेल्टा साइन। अब बेटा नीचे वाला पैराग्राफ देखें कि हम कैसे बता सकते हैं कि एटम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो नीचे वाला पैराग्राफ को बेटा उस डिस्कस करने लगा उसको देखिएगा, इन बोहर एटॉमिक मॉडल वी आल्सो स्टडीड इन द डेल्टा व्हिच इज यूज्ड फॉर चेंज इन एनर्जी, दैट वाज दिस डेल्टा, वो बेटा वो डेल्टा साइन हम इंडिकेट कर रहे थे ट्रायंगल टाइप शेप से, लेकिन आपको याद है बोहर एटॉमिक मॉडल वाला, तो अच्छी बात है बेटा, इसको मैं क्लियर करता हूँ बेटे, नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं पैराग्राफ को, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवेलेंट इन नेचर, कि हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को अगर देख लें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इनका बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयोनिक बॉन्ड होगा, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एंड एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, वो जो मेटल्स हैं, वो जो पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट के टू ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा बॉन्ड कहलाता है बेटे आयोनिक, जब दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा, बोर्ड पे चलते हैं बेटा,
जब बेटा दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से क्या होगा बेटे, मोर देन होगा, 1.7 से ज्यादा होगा, मोर देन 1.7 होगा, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयोनिक। कोई से भी दो एटम्स है, जैसे कि वो कह रहा है बेटा हेलोजिन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इनका बॉन्ड जब बनता है बेटा अल्कली मेटल से, जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जैसा कि बेटा NaCl अल्कली मेटल है और क्लोरीन क्या है, हेलोजिन है बेटा, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही बेटा KCl NaF, तो इस तरह हेलोजिन और पहले ग्रुप वाली मेटल के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयोनिक इन नेचर। और वजह क्या है कि इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है। तो याद रख लेंगे, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा दो एटम्स का, उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा होगा आयोनिक बॉन्ड होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी अल्कली मेटल पहले ग्रुप वाली और इधर से 17 पीरियोडिक टेबल का जो 17 ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनका, और उधर से हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, सॉरी पोटाशियम, वो हाल ही ने की रब से फरियाद वाले जो एलिमेंट्स थे, उनके दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड होगा। जबकि बेटा देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, क्योंकि फिर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे खींच लेता था, तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो लेकिन उनके डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ा डिफरेंस हो, उनका डिफरेंस 1.7 से अगर कम हो, विल बी कोवेलेंट इन नेचर एज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन, जैसे कि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, ये अमोनिया है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये है अमोनिया। अब ये वाली लाइनें डिस्कस करने की है बेटा, ये याद करने की है, मैं इसको रेड से मार्क करता हूँ। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, बॉन्ड बिटवीन देम विल बी आयोनिक। Predominantly लफ्ज़ मुश्किल है तो बेशक काट दे। And if they it is less than 1.7, the bond between two atoms will be covalent. अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो वो बॉन्ड होगा आयोनिक, और अगर उनका बॉन्ड 1.7 से उनका डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो बॉन्ड होगा कोवेलेंट। ये MCQ भी आ जाता है बेटा। तो यहां तक बेटा हमारा आज का टॉपिक था। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। एक बच्चे ने मुझे, अब बेटा आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ये आपने यहाँ से डेफिनेशन दो ही इंपॉर्टेंट है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, डेल्टा साइन का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा। अब बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, टेस्ट योर सेल्फ का कुछ पूछ रहा था। मेरा बेटे आप अपना क्वेश्चन दोबारा बताएंगे, क्या पूछना चाह रही थी आप? Explain question 3 and 10, 4.2 test yourself. Question number 3 है बेटा, question number 3 है, if repulsive forces dominate the attractive forces, अगर बेटा repulsive forces strong हो जाएं, ये बेटा तीसरा question, ये सब बच्चे देखें, ये तीसरा question बच्चे ने पूछा है कि सर इसको answer करें। If repulsive forces dominate the attractive forces will a covalent bond form, अगर बेटा repulsive forces strong हो तो bond बनेगा, आप लोग बताएं बेटा। अगर repulsive forces strong हो और attractive forces weak हो तो क्या bond बनेगा, ये आप लोग इसका answer करें। बेटा hydrogen chlorine से atom नहीं ले सकता, वो तो electron share कर रहे होते हैं ना बेटा। अब hydrogen की electronegativity और chlorine की electronegativity में 1.7 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेता है लेकिन कम्प्लीटली उसको डिस्प्लेस नहीं करता। जी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। नुमान बेटा बच्चे भी कह रहे हैं कि जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो एटम एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनता,
फिर एक बच्चे ने कहा कि सर यहाँ से 10th क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई, व्हाट डज इट डेवलप, डेल्टा साइन क्या है और ये डेवलप क्यों होता है? जी बेटा बता सकते हैं इसको, अभी मार्क किया था, डेल्टा साइन है क्या कि ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और ये डेवलप क्यों होता है? ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग। एक बच्चे ने पूछा है व्हाई हैज वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मेरा बेटे वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, तो आप इसमें कह सकते हैं बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ऑन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वाटर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि उनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है। फिर बच्चे ने कहा 7th क्वेश्चन, व्हाई इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, व्हाई इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बेटा इसमें स्ट्रक्चर देखें, ये जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बेटा हम कहेंगे कि इन फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन एटम पेयर अप विद थ्री इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच थ्री फ्लोरीन एटम, द बोरॉन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स शॉर्ट और डेफिसिट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर लेता है लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन उसके अपने पास है, वो तीन फ्लोरीन के साथ शेयर करता है तो उसके वैलेंस शेल में फिर भी छह इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो इसीलिए ये शेयरिंग के बाद भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है बेटा, ये समझ लें, बाकी आपको ये आंसर वहां पे मिल जाएंगे, बुक में भी नोट्स में भी मिल जाएंगे, सिर्फ इनको अंडरस्टैंड कर लें कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। जी एनी अदर क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बेटा CH4 है, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? अच्छा एक CH मैं ये बोर्ड पे लेके जाता हूँ बेटा, आप अपने सामने बुक रखेंगे, CH4 स्ट्रक्चर देखें बेटा अगर, तो C उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब बेटा ये सारे ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है, तो ओवरऑल कोई भी इलेक्ट्रॉन के पेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, चारों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन आ रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या है बेटा? नॉन पोलर। CH4 में बॉन्ड कौन सा है बेटा? नॉन पोलर। दूसरा मॉलिक्यूल था C2H4, C2H4 का बेटा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ एक हाइड्रोजन। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन का जब भी बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर होगा बेटा, तो सेकेंड में भी नॉन पोलर। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटे, ये है C2H4, इसे कहते हैं इथीन गैस, नॉन पोलर। उसके बाद है बेटा H2, नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूल H2, आपको वैसे पता है ये होमो एटम के दरमियान है तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है। N2 वो भी सिमिलर एटम्स के दरमियान, वो भी नॉन पोलर होगा बेटे, और ऑक्सीजन का भी नॉन पोलर, तो सारों में बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है। और कोई क्वेश्चन बेटा? जी बेटा एनी अदर क्वेश्चन? नाइन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब बेटा ऑक्सीजन क्यों पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बाकी बच्चे बताएं, ऑक्सीजन कहता है कि O2 में पोलर बॉन्ड क्यों नहीं होता, रीजन बताएं बाकी बच्चे इसको आंसर करें। O2 क्यों नॉन पोलर है?
बिकॉज देर आर नो देर आर देर दीज आर होमो एटम्स. बेटा क्योंकि ऑक्सीजन दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ इक्वल इक्वल अट्रैक्ट करेंगे. तो दोनों की पावर इक्वल है, दोनों का एटॉमिक नंबर इक्वल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है. तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा. दोनों एटम इक्वल अट्रैक्ट करेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो बॉन्ड क्या रहेगा, क्या रहेगा, नॉन पोलर ही रहेगा बेटे. अच्छा बेटे सॉरी, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 5, उसमें हमसे ये भी पूछना चाह रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. और ये पेपर में आता है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन 5 बेटा. तो CH4 कौन से बॉन्ड है बेटा, ये CH4 सारे सिंगल बॉन्ड. जो दूसरा मॉलिक्यूल है C2H4, C2H4 है बेटा इस तरह. तो उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, N2 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, और O2 में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा. तो ये याद रख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में CH4 में सिंगल बॉन्ड, C2H4 में डबल कोवलेंट बॉन्ड, H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, N2 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और O2 में डबल कोवलेंट बॉन्ड. जी बेटा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बेटा, वी हैव लेस देन 1 मिनट. कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, या फिर क्वेश्चन अगर लेंथी आपको लगता है तो आप अपने पास बुक पे लिख लें, वो कल पूछ लेंगे स्टार्ट में. जी जी बेटा आपकी अगली क्लास का लिंक आ गया है, आई नो. ठीक है बेटा, नो क्वेश्चन. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज. नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बेटा. यू पीपल कैन लीव द क्लास, ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास बेटा. अल्लाह हाफिज. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस कीजिएगा घर में, टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस घर में कीजिएगा बेटे. फिर जो भी नहीं आए तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.